यूपी के संभल में खंड विकास अधिकारी का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि खराब हैंडपंप की शिकायत करने पहुंचे राशन डीलर से वीडियो ने कथित रूप से रुपए की डिमांड की, जिसके बाद पीड़ित ने 2000 रुपए नगद और बाकी पैसे बाद में देने की बात कही। रुपए लेने की यह वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। हालांकि इस मामले में विभाग के कुछ अधिकारी जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि राशन डीलर गांव के सरकारी स्कूल में लगे हैंडपंप में गंदा पानी आने की शिकायत करने खंड विकास अधिकारी के पास आया था। आरोप है कि खंड विकास अधिकारी ने उससे भला बुरा शब्दों का प्रयोग किया, जो वायरल वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है। इस मामले में पीड़ित ने गन्नौर विधायक अजीत कुमार राजू एवं मुख्य विकास अधिकारी संभल उमेश कुमार त्यागी से भी आरोपी खंड विकास अधिकारी द्वारा कथित रूप से रिश्वत लेने की शिकायत की। हालांकि इस मामले में उच्च अधिकारियों ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। मिसाल एक नल गंदा पानी आ रहा था और उसके स्कूल की जगह में घूल पड़े थे, उसको हमने कहा तो वो एक है वो गुंडागर्दी का आदमी, उसका हम पर मान फानल सूद है वो। फिर हम वीडियो पास गए, वीडियो पास साहब ये कही कि हमारा प्राथमिक विद्यालय में नल खराब है और इसको सही लगवा दो। तो उन्होंने कहा तुम डीलर हो? कहा हाँ डीलर साहब। तो डीलर तो बेईमान होते हैं, प्रधान बेईमान होते हैं, दूध का धुला हुआ कोई नहीं। तो हमेशा भड़का दें बिल्कुल साहब ने हमको ही भड़काया। फिर साहब हम वहाँ से देर गए, पर उन्होंने कहा मैं आऊँगा और तुम सोमवार को आ जाना और मैं आऊँगा आपकी जांच करूँगा, तुम साफ कर लेना सब। हमने फिर उनको 2000 रुपये दिए, 2000 रुपये दिए। फिर कहा उन्होंने कि मैं 2000 की कीमत 2000 रुपये की कीमत लायक हूँ, मैं साहब सोमवार को आऊँगा तो मैं 10000 और दे दूँगा। लेकिन मेरे पास पैसे हुए नहीं तो मैं गया नहीं। मेरे पास कौन से वीडियो हैं? वीडियो हैं वो जैन प्रसाद। अच्छा, जो वीडियो वायरल हो रही है वो किसने बनाई? आपने बनाई वीडियो? हाँ मैंने बनाई। कौन से ब्लॉक के वीडियो है वो? बिनावी के। कितने रुपए देने के लिए आपने कहा? 2000। नहीं 2000 तो आपने दिया, और कितने की बातें हुई थी? 10 की। उनके जो खंड विकास अधिकारी है उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है किसी से पैसे लेते हुए, उसमें क्या मामला है वो? मामला तो जाँच के बाद ही आएगा संज्ञान में। एक उच्च स्तरीय जाँच दो अधिकारियों की मैं अगले 2-3 दिन में कराकर इसमें जो भी मामला है उसको संज्ञान में लाकर हल करते हैं। सर, जैसे कि पीड़ित कह रहा है कि मुझे इन्होंने डराया धमकाया कि बोले मैं किसी की शिकायत को लेकर गया था नल की, तो ये बोले क्या करते हो? बोले तुम बोला कि मैं डीलर हूँ, बोले डीलर चोर होते हैं और मैं तेरी जांच करने आऊँगा दुकान की। तब उन्होंने उसे डराया धमकाया तो बोले तू मुझे पैसे दे नहीं तो तेरी दुकान की जाँच करने आऊँगा, आरोप लगा रहा है वो। हाँ तो पूरा मामले की जाँच, ये आपको कागज भी दिया है, इस पूरे मामले की जाँच को प्रकाश में लाया जाएगा, जाँच कराई जाएगी, उच्च स्तरीय जाँच में जो भी निर्णय आएगा उसका कारण। सर, पीड़ित ने आपको ज्ञापन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा? जी, पीड़ित ने आज आपको ज्ञापन दिया है लिखित में, उसको न्याय मिलेगा? जांच के बाद बिल्कुल। बिनावी विकास खंड के खंड विकास अधिकारी का कि वो कुछ व्यक्ति से पैसे ले रहे हैं और व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उन्होंने उसे डरा धमका कर कि तेरी राशन की दुकान में चेक करूंगा जाके और ये करूंगा, उसके नाम पर उन्होंने उसे रिश्वत मांगी है, तो उसमें क्या कहेंगे आप? इसमें मैं ये कहूँगा जैसा कि जिस व्यक्ति ने ये बात आप लोगों से पहुँचाई है और मुझे भी अभी एप्लीकेशन दी गई है, अब अभी मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी करने के बाद जो भी सही तत्व हैं उसके आधार से उसके संबंध में कार्रवाई होगी। कोई भी गलत कार्य करने वाला व्यक्ति बक्सा नहीं है।